हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सुरभि ज्योति इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये आप लोगों को पसंद आए। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि गाइज, मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कोई मेकअप मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज वाटर। इससे हमारा फेस काफ़ी अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाएगा और हमारा पीएच बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद मैंने यूज़ किया हुआ है पैक का मॉइस्चराइजर लोशन। इसे यूज करने के बाद हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोई हो जाता है और हमारा फाउंडेशन आसानी से ब्लेंड हो जाता है, तो स्किन केयर रूटीन फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है मैक का प्राइम प्लस सेटिंग स्प्रे। इसे आप एज अ मेकअप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आई शेडो के लिए यूज़ किया है मेकअप रिवोल्यूशन का रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट। काफ़ी अच्छा आई शेडो पैलेट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्राउन सेड पिक किया है, एज अ ट्रांजिशन सेड मैं इसे लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर कोई आई शेडो प्राइमर नहीं लगाया। अब मैं यहाँ से रेडी सेड पिक करके आईलिड पे प्रेस कर रही हूँ। मैं यहाँ पर स्मोकी लुक इसलिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मैं जो पिक रिक्रिएट कर रही हूँ, मेकअप रिक्रिएट कर रही हूँ, इसमें जो है सुरभि ने स्मोकी लुक कैरी किया हुआ है, तो इसीलिए अब मैं उसी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आसानी से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ से डार्क जो लिटिल ब्लैक में आता है उसे मैं प्रेस कर रही हूँ उसी ब्रश की हेल्प से। मैं यहाँ पर कोई आई शेडो प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से आप बोल रहे थे कि दी बिना आई शेडो प्राइमर यूज़ किए हुए मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाओ। अब मैंने यहाँ पर आई लाइनर यूज़ किया है जो कि है लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन आई लाइनर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आई लाइनर है। मैं यहाँ पर कोई शेप देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अगर आप सुरभि की पिक देखोगे ना तो उसमें आपको एकदम क्लियरली दिख जाएगा कि सुरभि ने कोई शेप नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा स्मज है उनका आईलाइनर और काजल, तो वही मैं भी कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझसे मिस्टेक हो सकती है और हो भी जाएगी। अब मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ करूँ, मिलानी का ट्रिफेक्टा मस्कारा, और इसका जो एप्लीकेटर है OMG है, तो मस्ट ट्राई करना, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। और इन सब की बाय लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। अगर आपको इनमें से कुछ भी लेना हो तो लिंक के थ्रू जाके आप ले सकते हो। और हाँ गाइस, कल शाम को मैंने डाला था मेरे ब्लॉग चैनल पे, काफ़ी प्यारा सा ब्लॉग, आप लोगों ने देखा नहीं तो देख लीजिएगा। मैंने मेरी जेठानी के साथ एक ब्लॉग डाला हुआ है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया हुआ है। और बताइएगा कि क्या आप लोगों को पसंद आया। वो ब्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए मैंने उसे शेयर किया, नहीं तो मैं शेयर बिल्कुल भी ना करती। तो इसी मस्कारा को मैंने अच्छे से लगा लिया है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद मैं एक स्पूली ले रही हूँ और यह है पल्लाडियो की स्पूली। मैं अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा थिन है और उसमें भी एक्सीडेंट का निशान है, आप इधर देख लीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है मुझे मेरी आईब्रोज़ फिल करने में, काफ़ी ज़्यादा पतला शेप है। कई लोग बोलते हैं कि दी शेप चेंज करो, तो अगर मैं शेप चेंज करूँगी तो बीच का उड़ जाएगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँ मेकअप रिवोल्यूशन का ब्रो पोमेड, क्योंकि ब्रो पोमेड काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है और काफ़ी नेचुरल लुक देता है। मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर ले रही हूँ। यही है एक्सीडेंट का निशान गाइस, तो मैं इसीलिए अपनी आईब्रोज़ को का शेप चेंज नहीं करा सकती, क्योंकि अगर मैं शेप चेंज कराने जाऊँगी तो आप समझ ही सकते हो कि क्या होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रो पोमेड या फिर ब्रो पेंसिल के थ्रू मैं थोड़ा सा लुक चेंज कर लूँ। और अगर आप लोग ये सोचें कि मैं हमेशा के लिए अपनी आईब्रोज़ का लुक चेंज करा लूँ तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ एक तो काफ़ी थिन है, ऊपर से निशान काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा विजुअल होता है वो निशान, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करा सकती हूँ। और इसी ब्रश की हेल्प से मैं सिर्फ शेप को फॉलो कर रही हूँ जो मेरा एक्चुअल शेप है, मैं इधर उधर नहीं जा रही हूँ, नहीं तो पूरा लुक ही ख़राब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फेसेस कैंडा का आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जो कि स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ इंटेंस कलर। मेरा शेड नंबर है सॉलिड ब्लैक, तो मैं इसे यूज़ करी हूँ, काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है। और डीप ब्लैक काजल है गाइज, तो अगर आप लोग लेना चाहें, कोई डीप ब्लैक काजल की तलाश कर रहे हैं तो इसे आप ले सकते हो। और इतना ईजिली ग्लाइड होता है कि ऐसा लगता है जैसे मक्खन की तरह ये जो है ग्लाइड हो रहा है आपकी आईज पे, आप खुद ही देख सकते हो। और काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है, इसे लगाने पे थोड़ा सा लगेगा ना कि हमने जेल आईलाइनर लगा लिया ऐसा फील आता है, बट तुरंत कुछ ही टाइम बाद ये ड्राई हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है। मैं प्रोडक्ट डिटेल्स इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोग लेना चाहें तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। एक तरीके से मैं रिव्यू टाइप का कर देती हूँ मेरे हर मेकअप ब्लॉग में। तो बस एक मैंने ब्राउन शेड पिक किया है, इसके नीचे स्मज किया है, इसलिए नहीं कि मेरा काजल जो है स्मज हो जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि सुरभि ज्योति ने सेम ऐसे ही किया हुआ है अपनी काजल आईज़ के नीचे काजल के साथ, तो इसलिए मैंने भी किया है। और मैंने ब्रश यूज किया है रियल टेक्निक का लिप ब्रश।
अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ करूँ जो कि है नोट कॉस्मेटिक का और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, तो इसे मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर ले रही हूँ और ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। फाउंडेशन मेरी स्किन टोन का बिल्कुल है, थोड़ा सा आपको लाइट लग रहा होगा, जिन्हें ये लाइट नहीं है, ये है येलो अंडरटोन में, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से वर्क करता है मुझ में। और लगा लेने के कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल मेरी स्किन टोन से मैच कर जाता है और थोड़ा सा भी ड्राई पैसेज नहीं आता है, काफ़ी नेचुरल लुक देता है। अब मैंने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया गाइस, ये है मेकअप रिवोल्यूशन का। अगर आप लोग चाहें तो मैं अलग से अपना मेकअप कलेक्शन ब्रश कलेक्शन और स्पंज कलेक्शन का वीडियो शेयर कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर कम्पैक्ट यूज़ किया जो कि है डायना ऑफ लंडन का, काफ़ी प्यारा कम्पैक्ट है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है, प्यारा इन द सेंस कि अच्छा वर्क करता है, नहीं तो आप लोग कुछ लोग इसमें बैड कमेंट्स कर देंगे जैसा कि कल के वीडियो में कर रहे हैं लोग, तो पता नहीं क्यों लोग मुझे ही ट्रोल करते हैं, शायद उनको मैं ही एक पागल दिखती हूँ। इसके बाद मैंने अच्छे से फेस एंड नेक पे लगा लिया। अब मैंने यहाँ पर लिपस्टिक यूज़ करी है, यह है ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक, और जब इसे आप लगाते हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चिपचिपा कर रहा है, बट कुछ देर बाद ये ड्राई हो जाता है काफ़ी अच्छी तरीके से। मैंने हाइलाइटर यूज़ किया जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, पैक का बेक्ड हाइलाइटर, ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और लॉन्ग स्टे करती है। अब मैंने इसके बाद यूज़ किया पल्लाडियो का लॉन्ग लास्टिंग ड्यूई सेटिंग स्प्रे। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।